Very good evening bachcho, I am Santosh Srivastav from Super 60 Education Hub. Today I am going to describe some common errors and you will certainly have advantage from it. ये वो common errors हैं जो आपके CGL में, CHSL में, MTS में या आगे जितने भी exams होने वाले हैं उन सारे exams में आपको दिया जाए. तो एक एक करके ये 10 कॉमन एरर्स हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं. पहला सेंटेंस आपका है, आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन. जैसे आपने पढ़ा आई विल हैव बोथ सही है, द ब्लू आर पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि बोथ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आर नहीं होता है, वो एंड होता है. और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहां पे कभी कभी एज वेल एज भी दे दिया जाता है. तो यहां पे आई विल हैव बोथ द ब्लू एज वेल एज होता तो भी वो गलत होता. तो आपका सेंटेंस हो जाएगा आई विल हैव बोथ द ब्लू एंड द ब्लैक पेन. याद रखें बोथ का कॉम्बिनेशन एंड होता है, एज वेल एज या आर नहीं होता है. नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू sometime next month. I shall look forward to. जब भी look forward to आप देखें तो आपके मन में तुरंत आ जाए कि इसके बाद हमेशा verb plus ing यानी gerund आएगा. तो I shall look forward to being. अगर यहाँ पे be दिया गया होता तो यहाँ पे आपका error point होता. तो I shall look forward to being सही यहाँ पे with you आपके साथ sometime next month यानी अगले महीने किसी समय मैं आपके साथ होने की आशा करता हूं. मैं सब मुझे विश्वास है, आशा है कि अगले महीने मैं किसी समय आपके साथ रहूंगा. यानी इस वाक्य में कोई भी एरर नहीं आपकी है. याद रखिएगा लुक फॉरवर्ड टू हो या विद अ व्यू टू हो या फिर जितने भी आपके बी अपोज्ड टू हो, बी गिवन टू हो, बी एडिक्टेड टू हो, बी डिवोटेड टू हो, बी यूज्ड टू हो, बी अकस्टम्ड टू हो, बी गिवन टू हो, इनके बाद हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग. द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे प्लूरल है आपका, वर तो सही है. द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर यहां तक सही है. आगे है फेयरली डिसअपॉइंटिंग. फेयरली डिसअपॉइंटिंग आपको पढ़ाया गया होगा कि फेयरली का प्रयोग वहां करते हैं जहां पे पॉजिटिव सेंस होता है और रैदर का प्रयोग वहां कर सकते हैं जहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस हो सकता है. एक और चीज है, फेयरली जो है वह कंपैरेटिव डिग्री के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन रैदर जो है वह पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों के साथ प्रयोग कर सकते हैं. तो द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग. डिसअपॉइंटिंग क्या है? डिसअपॉइंटिंग नेगेटिव वर्ड है जबकि फेयरली क्या है? पॉजिटिव वर्ड के साथ यूज किया जाता है. तो यहां फेयरली के बजाय रैदर का प्रयोग कर ली. द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर रैदर डिसअपॉइंटिंग या वेरी डिसअपॉइंटिंग हो सकता है. ठीक है, यानी फेयरली का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव वर्ड्स के साथ करें. नेक्स्ट सेंटेंस है, द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट ऑफ रुपीज 5000 ईच. द गवर्नमेंट ग्रांटेड सही है, रिलीफ पेमेंट सही है ऑफ रुपीज 5000 ईच यानी प्रत्येक को 5000 रुपए रिलीफ दिया गया. टू दोज उन लोगों को हु यहां भी सही है, अगर यहां हु नहीं होता तो भी गलत होता क्योंकि दोज के बाद आपको हु लेना पड़ेगा. टू दोज हु इंजर्ड, हु इंजर्ड जिन्होंने घायल किया, ये यहां सेंस आ रहा है जबकि आपको जो दिखाना हुआ है कि जो घायल हुए थे. दिस इज नॉट इन एक्टिव वर्ब, दिस विल शोर्डली बी इन पैसिव वर्ब. तो जहां पे लिखा हु इंजर्ड, जब आप इन्हें पैसिव बनाएंगे तो हु वर इंजर्ड हो जाए, वाज भी नहीं होगा. ध्यान रखिएगा क्योंकि हु आपने दोज के लिए लिया है तो जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है नॉर्मली वो अपने एंटीसीडेंट के अनुसार चलता है. तो हु वर इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट हो जाएगा. यानी यहां पर हु के बाद आपको वर लेना पड़ेगा क्योंकि यह पैसिव स्ट्रक्चर है न कि एक्टिव स्ट्रक्चर है. ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑर्डिकल सजेस्ट सही है, ऑर्डिकल सिंगुलर है, सजेस्ट द ऑर्डिकल सजेस्ट दैट
When a person is under unusual stress, सही है यहाँ पे? यानी जब एक व्यक्ति unusual stress के अधीन हो, तो you should be especially careful to eat a well balanced diet. तो उसे विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए to eat a well balanced diet. किसे बरतनी चाहिए सावधानी? उस व्यक्ति को जो under unusual stress है. और उस व्यक्ति के लिए हमने प्रोनाउन क्या लगाया है? You should be especially careful. तुम्हें careful होना चाहिए या उस व्यक्ति को careful होना चाहिए? उस व्यक्ति को careful होना चाहिए ना. अगर यहाँ पे व्यक्ति को careful होना चाहिए, तो जहाँ पे you है, वहाँ पे you नहीं, he हो जाएगा. यानी the article suggests that when a person is under unusual stress, he should be especially careful to eat a well-balanced diet. Next question है, any of the two roads leads to the station. हर हाल में आपको पढ़ाया गया होगा कि दो में से एक चूज करना है तो either आपका प्रयोग करें. दो में से किसी को चूज नहीं करना है तो neither आपका प्रयोग करें. कई में से एक चूज करना है तो any आपका प्रयोग करें. और कई में से किसी को चूज नहीं करना है तो none आपका प्रयोग करें. ध्यान से देखें, any of the two roads, दो ही roads हैं. अगर दो ही रोड्स हैं तो एनी ऑफ कैसे होगा? जब भी दो हैं तो ईदर ऑफ, और अगर दो में से ही किसी को ना चूज करना हो तो नीदर ऑफ. यहां नीदर ऑफ का है नहीं, क्योंकि पास्ट टेंस सेंटेंस है, तो एनी ऑफ के बजाय ईदर ऑफ हो जाएगा. एनी ऑफ के बजाय हो जाएगा ईदर ऑफ द टू रोड्स हो जाएगा. अगर यहीं पे टू के बजाय 3, 4, 5 रोड्स होता तो आपका ये सही हो जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन, it is the duty of every citizen to do his utmost. यानी हर एक नागरिक का कर्तव्य है to do his, सही है, to do his utmost to defend the hardly won freedom. Hardly won freedom, क्या हमने मुश्किल से ही इस फ्रीडम को पाया है या बड़ी मुश्किल से पाया, बड़ी कठिनाई से पाया है? अगर बड़ी कठिनाई से पाया है तो hardly won नहीं होगा, hard won होगा. क्योंकि hardly एक नेगेटिव वर्ड है. यहां पर हमको पॉजिटिव सेंस दिखाना है कि हमने बड़ी मेहनत की थी, बड़े बड़े परिश्रम किए थे, तब ये हमें फ्रीडम प्राप्त हुई थी. तो यहां द hardly वन के बजाय द हार्ड वन फ्रीडम हो जाएगा. तो इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट टू डिफेंड द हार्ड वन फ्रीडम, बड़ी कठिनाई से प्राप्त स्वतंत्रता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, riches are uncertain, यानी जो धन दौलत होती है, लक्ष्मी होती है, वो चंचला होती है, things and the fame, और वो प्रसिद्धि that power give, ये give किसके लिए है? Power के लिए. Power क्या है? Singular है. अगर singular है तो give किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है. तो riches are uncertain things and the fame that पावर गिव्स हो जाए. यानी यहां गिव नहीं होगा, गिव्स हो जाएगा पावर की वजह से. चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. 9, द फुल मून अपीयरिंग इन द स्काई एंड इट्स सिल्वरी लाइट स्प्रेड अक्रॉस एंड इट्स सिल्वरी लाइट स्प्रेड अक्रॉस. ये पूरी क्लॉज है, एंड के बाद जो क्लॉज आपकी है, यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है, एंड इट्स सिल्वरी लाइट स्प्रेड अक्रॉस, ये पूरी क्लॉज है, सही है. तो इसके पहले की जो क्लास है वो भी पूरी होनी चाहिए. तो द फुल मून अपियरिंग इन द स्काई, यानी क्लास पूरी नहीं हो रही है, तो आप किसी क्लास को पूरा करना होगा. कैसे? द फुल मून अपियर्ड इन द स्काई. अब देखिए बराबर हो गए, द फुल मून अपियर्ड इन द स्काई एंड इट्स सिल्वरी लाइट स्प्रेड अक्रॉस. सॉरी, कंपैरिजन बराबर भी हो गया आपका. यहां फुल मून अपियरिंग इन द स्काई नहीं होगा, अपियर्ड इन द स्काई हो जाएगा. Let's say last question of this series. Playing the drums and singing are difficult. अब हमें ऐसा लगेगा drums and singing are difficult, but ऐसा है नहीं. हमारा subject ये the drums और singing नहीं है, हमारा subject एक gerund है, playing. जब भी किसी वाक्य का subject एक gerund या एक infinitive होता है तो verb हमेशा singular होती है. तो playing the drums and singing इस डिफिकल्ट, क्योंकि हमारा जो वाक्य हुए है ड्रम्स एंड सिंगिंग, यानी ड्रम्स को बचाना एंड सिंगिंग आर डिफिकल्ट. यहां आर्ट हो जाए, क्या हो जाएगा? इच हो जाएगा. वैसे यहां अगर अलग अलग ले आप, प्लेइंग द ड्रम्स
एंड सिंगिंग अलग ले तो फिर ये आर्य होना चाहिए ना कि उन्होंने किताब ने दोनों लिया प्लेइंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग इज डिफिकल्ट. ध्यान रखिएगा अगर आपने अलग अलग बांटा प्लेइंग द ड्रम्स एक पोर्शन एंड सिंगिंग अलग पोर्शन तो यहां आर्य ही सही होगा न कि इज सही होगा. ये 10 क्वेश्चन आपके हैं जो आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी दिए जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में. ये कराने का सिर्फ एक मकसद है कि जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस वगैरह उनमें ये कॉमन एरर्स आपके काम है. मैं रेगुलरली इनको कराता रहूंगा और एमबी बुक का जो सॉल्विंग मैं दे रहा हूं वो भी आपको मिलता रहेगा. इन दोनों को मिलाकर तैयारी करें. प्रीपोजिशंस हैं इनके और भी बहुत सारी चीजें मेरी यूट्यूब पे हैं तो आप इनके चैनल पर देखते रहें इन्हें और इनके थ्रू तैयारी करते रहें. और प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें अगर आपने नहीं किया अभी तक और लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि इससे मेरा एनकरेजमेंट होता रहे. चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से आगे 10 नए क्वेश्चन हम प्राप्त करते हैं. थैंक यू.